और उधर नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ है और पुलिस की जांच में ये पता चला है कि लातूर के नॉन नीट स्टूडेंट के पास पटना का एडमिट कार्ड था। ये बड़ा खुलासा हुआ है जहां पे इसके तार लातूर से जुड़ रहे हैं। लातूर के नॉन नीट स्टूडेंट का ने पटना में एग्जाम दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के नीट स्टूडेंट को बिहार का एडमिट कार्ड और सेंटर आखिर क्यों मिला, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। इस मामले में फरार आरोपी गंगाधर लगातार पटना के किसी के साथ संपर्क में था। हालांकि लातूर के स्टूडेंट्स के पास पटना के एडमिट कार्ड कहां से पहुंचे, आखिर ये तार कहां से जुड़ रहे हैं, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। गंगाधर ही या लातूर की जिला परिषद में टीचर है, आरोपियों के साथ संपर्क में भी था। अब गंगाधर का पटना से क्या कनेक्शन है और ये जो 9 स्टूडेंट्स लातूर के हैं, इनके पास पटना के एडमिट कार्ड कैसे पहुंचे, ये सवाल बना हुआ है। और शायद यही वजह कि जो इसके तार है पूरे देश में दिखाई दे रहे और यही वजह कि सीबीआई पूरे मामले में हर दिन बड़े खुलासे कर रही है। और अब शिरोमणि अकाली दल की जिसमें कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे की मांग लगातार उठने लगी है। बगावत का झंडा बुलंद किया है प्रेमचंद चंदू माजरा ने और अब पार्टी दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोनों गुटों का आखिर क्या क्या कहना है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में हार हुई तो उसका साइड इफेक्ट दिखने लगा है। शिरोमणि अकाली दल की अंदरूनी कलह परत दर परत खुलने लगी है और पार्टी दो धड़ों में बढ़ती दिख रही है। पार्टी का वजूद बचाने की जद्दोजहद के बीच अब बगावत के सुर फूटने लगे हैं। शिरोमणि अकाली दल के गुट ने पार्टी की हार पर मंथन तो किया ही, लगे हाथ पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा तक मांग लिया। जालंधर में हुई इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल थे, तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ में सुखबीर सिंह बादल ने बैठक की है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एक ही दिन में दो अलग अलग जगह बैठक होना बता रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे मांगने की खबरों पर शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत चीमा का कहना है कि सुखबीर बादल ने खुद इस्तीफे की बात कही थी लेकिन पार्टी ने मना कर दिया। जो लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो पार्टी फोरम में अपनी बात रखें। अध्यक्ष जी ने तो स्टार्टिंग पे ही बोल दिया था, जिला अध्यक्ष की मीटिंग में भी, जो हल्का इंचार्ज की मीटिंग में भी, कि अगर पार्टी चाहती है कि मैं छोड़ दूं तो मैं एक मिनट पे छोड़ दूँ। लेकिन सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट्स ने भी और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस ने भी एक जुबान में मना कर दिया कि आपको ऐसी बात आगे से नहीं करनी, कि किसी ने आपको ऐसा करने के लिए नहीं बोला, आपने मेहनत की है, अब हम देखो कि कहाँ कमी रही है और उसको कैसे इम्प्रूव करना। इसलिए बड़ी अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव में अकाली दल को महज एक सीट जीतकर संतोष करना पड़ा था। सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल बठिंडा से चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं, जबकि इस बार बिना किसी गठबंधन के पार्टी मैदान में थी। सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ी थी,